परेशान है। गुड मॉर्निंग, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे जो कपड़े थे यहाँ पे मैं रख देती हूँ, मेरी जो भी साड़ीज़ वगैरह आती है, नई सारी चीज़ें। बट आज मैं सब कुछ निकाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है गांव जाना है, और गांव जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी किसी को देना है, कभी किसी को देना है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी क्या क्या है और क्या क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मार्केट जाना है, गांव कौन कौन जा रहा है एंड क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और कुछ बहुत ज़रूरी बात भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। तो व्लॉग में बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आपको टाइम टाइम पे मिलते रहा करे। और उसके बाद फिर बहुत दिन से कुछ भी घर की क्लीनिंग नहीं हो पाई है, सब कुछ इधर उधर जैसा जो है सब फैला रहता है, आजकल क्लीनिंग कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि कभी अभी आपने पिछले 3 दिन से तो देखा कि हॉस्पिटल के चक्कर ही लग रहे थे, कभी अल्ट्रासाउंड कराने, कभी कुछ कभी कुछ। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी रिपोर्ट्स में क्या हुआ, कैसे है। तो जो जो चीज़ों का डर था, मैंने अपना रूम कर लिया था, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मम्मी के रूम का, क्योंकि आज मैंने सारे रूम के बेडशीट वगैरह चेंज किए क्योंकि बहुत दिन हो गया था बेडशीट चेंज नहीं किया था। नवरात्र पूजा आने से पहले हम लोग अपने पूरे रूम के बेडशीट चेंज करते थे, बेड को अच्छे से क्लीन करते थे, बट इस बार वो भी नहीं किया था। तो आज मैंने सोचा कि आज क्लीन कर लेती हूँ। मैंने अपने बाल में ना हेयर क्लिप लगा रखा है, ये छोटे छोटे, ये धनवी के हैं, जहाँ इधर उधर गिरे रहते हैं ना, तो मैं उठा के और अपने सर में लगा लेती हूँ ताकि इधर उधर खोए ना, बहुत ज़्यादा क्लिप्स खोती है धनवी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइट्स लगा हुआ था, ये तो मुझे लग रहा है जब से लगा हुआ था तब से ही हमने क्लीन ही नहीं किया था, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो गया था, तो इसको भी मैंने क्लीन किया। इधर का जो वॉल है इस पर भी ये सारी चीज़ें क्लीन की ताकि थोड़ा सा क्लीन क्लीन दिखे, पर बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें गंदी हो गई है, बहुत टाइम की वजह से नहीं क्लीनिंग हुई है इसी वजह से। उसके बाद यहाँ दोनों बच्चों को इन्होंने नहलाया और मम्मी ने फिर कपड़े वगैरह पहनाने के लिए लेके चली गई थी। अभी मम्मी की तबीयत पहले से अच्छी है, ठीक है वो। और यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने के लिए, नवरात्र का 3रा दिन है आज, और पूजा के लिए मेरा काफ़ी लेट हो गया था, 12:30 से ज़्यादा ही हो गए थे, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करते और थोड़ा सा अपना कुछ काम कर रही थी। सो ये मेरी प्यारी सी स्माइल आप सभी के लिए। बहुत सारे लोग, मतलब सच में इतना ब्लेस्ड फील होता है ना, इतना अच्छा फील होता है कि इतनी प्यारी ऑडियंस है जो मतलब इतना परेशान है, इतना परेशान है कि दी आपका चेहरा ऐसा नहीं देखा कभी, आप ऐसे नहीं हो, आप प्लीज़ बेटर अच्छे हो, अच्छे से ब्लॉगिंग करो, जैसे आप पहले चहकते हुए खिलखिलाते हुए एक अलग ही एनर्जी के साथ ब्लॉगिंग करते थे, वैसे करो ये वो, बहुत सारी चीज़ें। सो गाइज, मैं धीरे धीरे अपने उसी एनर्जी और उसी चहचहापन सारी चीज़ों पे मैं धीरे धीरे वापस आऊँगी, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने मेडिसिन कल से स्टार्ट कर दी थी खाना, तो मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा है।
एंड सेकंड चीज़ करनी है बहुत 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 सारी तैयारी, क्योंकि छठ पूजा आ रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ पे चैत छठ पूजा मम्मी करती हैं, 5 साल उन्होंने बोला हुआ है तो वो करेंगी। तो कल है नहाए खाए, तो कल से लेके 3 दिन तक तो बिल्कुल नहीं समय मिल पाएगा कोई भी अरेंजमेंट करने का। और अब भी बहुत सारी तैयारी करनी है। आने वाले ब्लॉग्स में आपको बैक टू बैक पता चलेंगे कि क्या कैसे सारी चीज़ें। एंड एक चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को लेके, आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में देखिएगा। हाँ मम्मी आ रही हूँ, कुछ ना साड़ीज़ वगैरह देखनी है, तो मम्मी वही बुला रही हैं। देखनी है क्या मतलब, सब मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो वो मम्मी क्योंकि आपको पता है एक शादी भी है दीदी की बेटी की, जिसमें सारी चीज़ें हैं। पहले से आपको मैंने पहले ही अपने ब्लॉग्स में बताया था कि हमने सारी तैयारी धीरे 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 देखो मतलब कितना सच में नानी जी ने सारी चीज़ें वो करके गई हैं ना, कि हमने सारी उनकी जो बेटी मतलब दीदी की बेटी की जो शादी का जो भी शॉपिंग था, चाहे वो सूटकेस हो चाहे वो कपड़े हो, सारी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी। शायद नानी जी को ये चीज़ था कि उन्होंने पहले ही सारी चीज़ करा दी। एंड कुछ लोग ने बोला कि दीदी दुखी मत हो, वो अपने एज कंप्लीट करके हो गए हैं, और जितना आप लोग रोओगे परेशान होगे ना उनको उतनी तकलीफ होगी। तो ये चीज़ हमें पहले ऐसा नहीं पता था कि सच में ऐसा कुछ होता है। तो अभी मैं भी ठीक हूँ, मम्मी भी ठीक है, सब लोग हमारे घर में बिल्कुल ठीक है, सब लोग अच्छा है, और धीरे 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 सब लोग अच्छा अच्छा फील कर रहे हैं। और बस अब हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं कि जो नानी जी का लास्ट वो है जो कि 18 तारीख को पड़ा है, उसकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो। क्योंकि आपने देखा था जब हमने लास्ट उनका वो निकाला था, तब हमने बैंड बाजा वगैरह सब कुछ किया हुआ था। तो ये हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहुत जिनकी, हाँ बेटा अच्छा आ रही, तो लास्ट जो समय था मतलब जो नानी जी है ना वो 100+ हो गई हैं, होके गई हैं, तो काफ़ी अच्छे से उनकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस वही सारी तैयारी हो रही है, बाकी आप ब्लॉग में बने एक पोएम सुना दो सबको। जॉनी जॉनी एक पापा, उसके बाद क्या है? जॉनी जॉनी एक पापा, एक केशवर, नो पापा, वेरी नाइस, नो पापा, ओपन योर माउथ, और एक और एक और वो पंखा वाला ऊपर पंखा वाला, तो सुना ऊपर पंखा चलता है नीचे मुन्नू सोता है, बता नीचे ऊपर सोता है, नीचे ऊपर सोता है। चलो हटो, हाँ तो ना, हाँ तो ना, हाँ तो ना, हाँ तो ना, हाँ तो मम्मा मैं आपको खेल के अब मुझे ऐसे जंपिंग करना है, जंपिंग जाना है, रात में छिछो कर दे मैंने ये दोनों को एक साथ नहीं लेता हूँ। बाहर नहीं करना चाहिए, इसके अंदर करना है।
बाहर नहीं निकाला है। इधर इधर उधर बैठो, तो गाइज़ यहाँ पे ये सब सामान लाए थे, तो मैं देख रही थी। ये जूता लाए थे पापा जी के लिए, बहुत टाइम से पापा जी के जो जूते चप्पल थे वो मतलब नहीं लिया था, तो आज ही ले आए थे क्योंकि गांव जाएंगे और वहाँ पे अब कहाँ क्या मिलेगा और इतना समय भी नहीं होगा कि वहाँ से जाके लें, तो इसीलिए ये ले आए थे। आज ये गए थे अकेले ही शॉपिंग करने, हम में से कोई भी नहीं गया था, वरना हमेशा मैं तो जाती ही हूँ, लेकिन आज मेरा भी मन नहीं था और आज ऑफिस की इनकी छुट्टी थी तो सोचा कि ये काम भी ये कर लें, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही हो पाता है ये सारी चीज़ें भी। और ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ये साड़ी लेके आए थे, एक जो हमारी जो बड़ी मतलब मम्मी की जो बड़ी जेठानी है, बड़ी माँ, उनके लिए। और उसके बाद कुछ बेडशीट थे जो यहाँ दिल्ली के घर के लिए, कुछ गांव के घर के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा सब कुछ मतलब ऐसा है ना कि जाओ तो गंदा वंदा हो जाता है, तो चेंज वेंज भी करना पड़ता है, तो बेडशीट इसीलिए। और प्लस ये जिनकी शादी है ना दीदी की बेटी की, हमारे यहाँ बेडशीट वगैरह भी देते हैं, तो एक ये चीज़ रह गई थी तो ये भी आ गया है। और उसके अलावा हम लोग आपको दिखाया था कि गए थे साड़ी वगैरह की लेने के लिए, क्योंकि गांव में इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में जो कपड़े हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम लोग मम्मी के लिए 4-5 साड़ी लेके आए थे। एक ये मेरी साड़ी है जो वहीं पर थी, फॉल पीको के लिए देना था तो ये निकाल लिया। और ये 4-5 साड़ी है जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट फैब्रिक की होती है ना, हल्के उसकी डोला सिल्क या वैसा, तो ये 4-5 साड़ी हम लाए थे। ब्लाउज़ सिलने के लिए उधर से दे दिया था कि मतलब मम्मी गांव जाएंगी तो पहनने के लिए, गर्मी से मतलब गर्मी में ज़्यादा हैवी कपड़े तो नहीं पहने जाते हैं। और अभी ये साड़ी वगैरह मम्मी ने देखी भी नहीं है, आएंगी तो दिखाएंगे। अभी वो वहीं पर मामा जी के घर पर ही रुक गई हैं बच्चों के साथ, तो बाद में आएंगी वो वहाँ से। गाइस सुबह से जब भी ब्लॉग चल रहा था बस वॉइस ओवर पे चल रहा है, और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैठ के और आप लोगों से बात कर लिया जाए। मम्मी मामा जी के घर पे, इन्होंने वहाँ से मम्मी को मामा जी के घर पे छोड़ दिया था, क्योंकि आपको पता है ना उबले हुए खाना ही मतलब तड़का वड़का नहीं लगता है, तो अजीब सा मन हो जाता है, खाना खाया नहीं जाता है। वैसे तो मामा मामी जी सब लोग गाँव हैं, जो विधि विधान है वो सब गाँव से हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे हैं वो भी नहीं रहते हैं, वो भी ऑफिस चले जाते हैं, तो घर पे लॉक ही लगा रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे मम्मी भी नहीं जा पाती हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, सब लोग ऑफिस रहते हैं तो वहाँ क्या करेंगे रह के। और उसके बाद तो फिर आज मम्मी का मन था कि कुछ बना के और बच्चे खाएं, तो वो राजमा वगैरह जो भी था सब्जी बना के लेके गई थी, वो वहीं पर आज रुक गई हैं, क्योंकि छुट्टी थी आज सबकी ईद की, तो इसीलिए वहीं पे रुक गई हैं। और बाकी ये शॉपिंग वगैरह करके लेके आए हैं जो मैंने आप लोग को दिखाया। ये जो सारी तैयारी है ये मम्मी को गांव, मम्मी पापा गांव जाएंगे, उस चीज़ की सारी तैयारी। खाना पीना तो हो गया एंड अभी मैं जा रही थी सब सामान रखने। मैंने इससे पहले आप लोग को दिखाया क्या क्या लेके आए मार्केट में, मम्मी और ये हम तीनों जने जाने वाले थे, लेकिन मेरा मतलब ऐसा था ना कि बहुत गर्मी थी तो धूप में चलने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी। फिर इन्होंने मम्मी को छोड़ दिया, मम्मा नहीं खाएगी बेटा आप खा लो, हाँ, तो वहाँ पे छोड़ा मामा जी घर, और फिर ये जाके सब कुछ ये ख़रीद के लेके आए हैं। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे, इसमें कुछ बेडशीट हैं जो घर के लिए हैं, और मैंने अपने पिछले से पिछले ब्लॉग्स में आपको बताया था कि हमारी जो ननद हैं, वैसे हमारी अपनी तो कोई ननद है नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी हैं ये सब लोग अपने से भी ज़्यादा हम लोग को मान सम्मान देती हैं, और सबके साथ एक अलग ही वो है, क्योंकि वो लोग भी सामने से देते हैं हम भी उन्हें देते हैं, तो रिश्ता काफ़ी प्यारा है, अच्छा है। उनकी बेटी की शादी है और जिसका आपने देखा था वो हमारे घर आई थी जब उनका ब्राइडल शॉपिंग जब चल रहा था, सारी चीज़ें हमने ली थी जाके, मम्मी मैं और वो। बहुत जैसे होता है ना सीधी सी लड़कियाँ जिनको मतलब बहुत शरीफ सीधी, मतलब सीधी सी जगह होती है ना जिनको नहीं पता है, और जब घर का जो एक बड़ा बच्चा होता है जब उसकी शादी होती है ना, तो जैसे कि मैं हूँ, मेरी शादी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम किसी से शेयर करके जानना चाहते हैं क्योंकि हमें वो समझ नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में ना एक भाभी का होना, एक मामी का होना,
एक बड़ी बहन का होना बहुत खलता है कि अगर ये लोग होते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती है। तो जब वो यहाँ पे आई थी ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो डिस्कस करती थी। वो यहाँ पे कई बार आ चुकी हैं, पहले भी एग्ज़ाम वगैरह देने आई थी, तो काफ़ी टाइम से वो आती जाती हैं, तो थोड़ा सा वो है और तो डिस्कस करती थी। तो मुझे वही लगता था कि फिर उससे ना थोड़ा सा एक हो गया। और बहुत दीदी की इच्छा थी, आपने देखा है हमने सारी तैयारी पहले ही कर ली, सूटकेस से लेके जो भी ख़रीदारी उनकी थी सारी चीज़ें पहले हो गई थी। पता नहीं मतलब नानी जी ना एक चीज़ है उनके अंदर, नानी जी के अंदर एक चीज़ था कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। वही चीज़ है कि उन्होंने सारी तैयारी पहले ही करा दी, क्योंकि शायद उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा तो सब कुछ तुम लोग पहले ही कर लो। और 18 तारीख को हमारी टिकट थी, मम्मी मेरा हम सबका टिकट था, सबका, हम लोग उनके यहाँ शादी में जाने वाले थे। लेकिन ये सब मतलब 18 का जो टिकट है ना वो इसलिए हुआ था कि नवरात्र की पूजा, आपको पता है हमारे यहाँ अखंड जो जलता है दो घी का और तेल का, और फिर कन्या पूजन और इनका और पापा जी का 9 दिन का व्रत रहता है। तो इसी हिसाब से हमने 18 तारीख के टिकट कराया था कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद हम 18 को जाएंगे। 17 तारीख को उनको तिलक था, लेकिन तिलक हम लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि घर की पूजा भी भाई नहीं छोड़ सकते हैं, अब हर साल अखंड जो जलती है तो इस साल नहीं छोड़ सकते थे। तो ये सोच के हमने 18 को टिकट कराया था कि फिर 18 को सब लोग जाएंगे। फिर अब बीच में आपने देखा कि ये नानी जी का ये सारी चीज़ें, तो जो नानी जी का काम क्रिया है वो 18 तारीख को पड़ा है, तो कैसे भी करके 17 को भी नहीं 16 तक वहाँ पहुँचना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम पहले से यहाँ दिल्ली से नहीं खरीद सकते, वो गांव से जाके ही ख़रीदनी है या सारी चीज़ें। और ये सब कुछ लास्ट है नानी जी का, इसके बाद एक रुमाल भी नानी जी के नाम का नहीं होगा, जो भी है ये लास्ट है। तो सबके मन में ये है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, सब लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि सबका उनसे बहुत वो था, इनका सबका मन है कि वहाँ पहुँचे, मेरा भी बहुत मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो गाइस धन भी परेशान कर रही थी उसको कपड़े पहनाने के लिए, तो जो मेरा भी मन है बहुत ज़्यादा जाने का, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जाना चाहिए, क्योंकि बहू हूँ और शादी के बाद कभी ऐसा कुछ फंक्शन कुछ ऐसा नहीं पड़ा, गई हूँ और पहली बार ऐसी चीज़ में नहीं, मतलब सबका अपना एक अलग अलग हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए देखते हैं क्या होता है आने वाले कल में। और बस 18 को ये सारी चीज़ें होंगी, 15 को वैसे टिकट हुआ है कि फिर से 15 तारीख को सब लोग जाएं कि 16 को पहुंच के और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे हो। बट चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि शादी का क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे विधि विधान हैं, जैसे कि जो एक भाई का फ़र्ज़ होता है ना, आप लोग के यहाँ भात नहीं उतना, हमारे यहाँ पानी पिलाने का फ़र्ज़ होता है, जो कि दीदी का बहुत मन है, इनका भी बहुत मन है कि ये करे, क्योंकि अपनी बहन तो है नहीं, तो थोड़ा सा वो है, और मतलब दीदी का भी बहुत मन था और एक भाई का वो होता है। सो अभी देखते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें कैसे करें। 15 तारीख को टिकट्स हो गए हैं सबके, बट कंफर्म नहीं है टिकट, 200-250 वेटिंग है, तो वो भी मतलब इतना सब कुछ इधर उधर इंसान फंसा हुआ है ना कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। सारी चीज़ें सब कुछ सारी तैयारी हो गई थी उनकी शादी की, सब कुछ हो गया था, लेकिन एक चीज़ देखिए कितनी हुआ है कि नानी जी का जो सारी चीज़ें वो 18 को उन्होंने उनका ख़त्म हो जाएगा, 21 की शादी है, तो वो चीज़ है कि उन अब बाकी डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या किया जाए कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। एंड दूसरी चीज़ आप लोग कह रहे थे कि दीदी थोड़ा सा आप अपने मायके चले जाओ, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, आपको रेस्ट मिलेगा आपको, तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे भी मुझे फुल रेस्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मायके चले जाऊँगा तो वहाँ रेस्ट मिलेगा, बट आप खुद सोचो इस कमेंट से ना आज का मेरा पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि दी थोड़े दिन के लिए मायके चले जाओ आपको रेस्ट मिलेगा, आपका चेहरा डल सा हो गया है, और वो है कि थोड़ा सा वहाँ पे जाओगे तो आप वो हो जाएगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं जो लास्ट में गई थी करवा चौथ के टाइम पे 5-6 दिन के लिए, जब वो भी ख़रीदारी में निपट गया था, मैं मतलब शांति से रहने ना 10 दिन के लिए मुझे लगता है कि नहीं जा पाती हूँ, इतना कम ही जा पाती हूँ, और वैसे जाती हूँ, सुबह गई शाम को मिल के आ गई, या एक दिन गई 2 दिन में आ गई, रहने के लिए मैं कभी नहीं गई। लेकिन यहाँ पे इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट काम है यहाँ ससुराल में, जो सारी चीज़ें अभी इस टाइम देखनी है, तो अभी मायके का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है,
थोड़ा सा यहाँ का सब कुछ हो जाए अच्छे से, एकदम सारी चीज़ें हो जाए जो भी हमारे अभी आई है सामने, उसके बाद आराम से मैं रेस्ट करने जाऊँगी। जब धनवी की छुट्टियाँ पड़ेंगी स्कूल की तब जाऊँगी, क्योंकि अभी धनवी का स्कूल भी है तो वो भी देखना है। वैसे भी अभी गाँव जाना है तो इधर छुट्टी हो ही जाएंगी 5-6 दिन की, बट ये अभी देखते हैं टिकट कंफर्म होगा तो ही जा पाएंगे, नहीं हुआ तो फिर क्या ही करेंगे, नहीं जा पाएंगे। और इस वीडियो को करते हैं मतलब वही बाय रोड गाड़ी से ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो ऐसा उपाय है, क्योंकि इनका जाएंगे तो ज़रूर, क्योंकि इनका बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है दीदी के यहाँ पानी पिलाने का भी, क्योंकि ये ना अपनी बहनों के प्रति थोड़ा सा इनके अंदर एक अलग वो है। तो अगर टिकट कन्फर्म नहीं हो तो कैसे जाएंगे, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे? टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो बाय रोड जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। बाय रोड इतनी लंबी गाड़ी चला लोगे? बाय रोड गएंगे? हाँ एक बार हम गए हैं, कितना हमें लगा था, 10 घंटे 13 घंटे 13 घंटे लगा था, और कंटिन्यू उन्होंने ड्राइव किया था। नहीं विक्की थे वैसे तो, मतलब थोड़ा सा ही किया था विक्की ने भी, तो अभी तो आपको अकेले करना पड़ेगा ना। नानी मेरे साथ है जरूर। और आज बहुत दिनों बाद आए हैं ये ब्लॉग में, मुंह देखो इनका कैसा हो गया। और आपको सब कह रहे हैं कि अब टी शर्ट ये वाला एक्सपायरी में डाल दो भैया, ये वाला और एक वो वाला। और दीदी के घर जाने का? दीदी के घर भी जाना है, मैं तो दिल से ही चाहता हूँ जाऊँ, क्योंकि शायद भगवान ने मेरी अपनी कोई पता नहीं क्यों नहीं दी, उसका मलाल बहुत रहा है मुझे पूरी ज़िंदगी। लेकिन जो मेरी बहनें हैं, मामा की बेटियां अनु, पूजा, मौसी की बेटियां प्रीति, अर्चना, रामभादी, सीमा दी, बहुत सारे लोग हैं, तो उन सब से कभी बहन की कमी खली नहीं। और एक और दीदी हैं जो आपको बोलती हैं पानी पिलाने के लिए, अंजू दीदी हैं, एक रेखा दीदी, रेखा दीदी बहुत बोलती है। यस, तो हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में माना है कि दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, एंड मेरी दीदी ने मुझे याद किया है। हालांकि उनका अपना भी एक भाई है, अपना मीन्स एक सगा भाई है, लेकिन वो चाहती है कि मैं भी जाऊँ और एक जो पानी पिलाने की रस्म हमारे यहाँ होती है वो मैं करूँ। तो हमने भी बहुत सारी तैयारियाँ की थी ऑलरेडी उस चीज़ को लेकर, तो मैं बस यही सोच के कि मैं अपनी बहन का मान, क्योंकि उन्होंने घर परिवार समाज में सबको पता है कि जो उन्होंने जिस प्यार से बुलाया उस प्यार का मैं सम्मान करूंगा, मैं जरूर जितना बन पड़ेगा जो भी हो पकड़ेगा करेंगे। लेकिन अभी आज भी दिन में फोन आया था, जुगनू इतना परेशान थी कि मामी आइएगा ना, क्योंकि ना मैं फिर से वही बोलूंगी कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना कि इस लड़की को समझ नहीं आता है, जब थोड़ा सा घर में एक वो होता है ना कि अब मम्मी से सब कुछ शेयर कर नहीं सकते हैं, बहन है उनकी तो वो छोटी हैं तो थोड़ा सा लगता है। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। और कुछ कहना है आपको? नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।